हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम 11th क्लास की ऑनलाइन वीडियोस यानी कि यूट्यूब पे डालना शुरू कर रहे हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप वीडियोस देखते रहिएगा, है ना। जितना टाइम भी लॉकडाउन चलता है आप वहाँ पे कुछ सीख सकते हैं। तो चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। पहले मैं फिजिक्स के बारे में बता दूं। फिजिक्स जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, है ना। हमने 10th तक छोटे छोटे यूनिट्स में चैप्टर पढ़े हुए हैं, लाइक फिजिक्स में 3-4 चैप्टर 10th क्लास में थे, 3-4 चैप्टर 9th क्लास में थे। अब हमें फिजिक्स को एक अलग से ब्रॉड सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा सबसे बेसिक चैप्टर होता है। उसके बाद उसे मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, उसका एक थ्योरी पार्ट में एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। चैप्टर 2 जो है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन को समझने के लिए पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि यार मैं बोलता हूं कि मेरा वेट इतना है या मेरी हाइट इतनी है या मेरा मास कितना है। तो मास, हाइट, वेट, ये सब चीजें क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। और बिना यूनिट्स के इन्हें नहीं बोला जा सकता। अगर मैं बोलूं मेरा वेट 70 है, तो क्या 70 क्या किलोग्राम है, न्यूटन है, ग्राम है, मिलीग्राम है? तो जब तक हम ये ग्राम मिलीग्राम नहीं यूज करते तब तक नहीं बैठेगा। मैं कहता हूं मेरी हाइट 5 फीट। अब जैसे मैंने उसे निकली गया फीट, तो बिना फीट के हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। मैं बोलता हूं मुझे शुगर दे दो, मार्केट जाता हूं, 3 शुगर दे दो। अब 3 शुगर कितनी होती है? केजी नहीं लगेगा तब तक वो शुगर का फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया जा सकता, मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जो हमें अलग अलग सिचुएशंस को समझने के लिए, किसी फिजिकल मतलब मेरी बॉडी की बात कर लेता हूँ, एक बेंच की बात कर लेता हूँ, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, हाइट कितनी है, फोर्स कैसा है, प्रेशर कैसा है, ये सब चीजें फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डायरेक्ट क्वांटिटी, है ना। बेसिक या फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये बिल्कुल बेसिक होती है। बेसिक या फंडामेंटल का मतलब जिन्हें किसी और से लेना देना नहीं है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, है ना? जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, कैंडल हाउस का यूनिट होता है, एंगल है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस है, ऐसे मिला के 9 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बेसिक या फंडामेंटल है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो इन बेसिक और फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, इन पर डिपेंड करती है। डायरेक्ट कहां से बनेगा? डायरेक्ट का मतलब क्या? डेराइव किया गया, जिन्हें बनाया गया, किससे बनी? बेसिक या फंडामेंटल से बनी। डायरेक्ट क्वांटिटीज में बची हुई सब, यहां की 9 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ दे तो बची हुई जितनी भी है वो सब डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। हम इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी, उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशन सबको स्टडी कर रहे हैं। मैं अब आपको बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिटेल में समझाने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी डियर, तो ये है बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। टोटल मैंने आपको बताया था 9 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो बेसिक होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइन एंगल, सॉलिड एंगल, है ना। इनके यूनिट और डायमेंशन ये हमें 101% लर्न होने चाहिए, तभी हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को सीख सकते हैं। लेंथ के लिए यूनिट है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, 10th में पढ़ा हुआ है अपने, लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लाइन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। एक और बात बताता हूं, आप कहेंगे यार लेंथ के लिए तो सेंटीमीटर भी होता है, मास के लिए तो ग्राम और पाउंड भी होते हैं, टेम्परेचर के लिए तो सेंटीग्रेड भी होता है, फॉरेनहाइट भी होता है, रूमर भी होते हैं। ये जो है सिस्टम जो हमें समझना है, लर्न करना है, ये SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। हालांकि हम लोग अलग अलग टेक्निक्स में MKS, CGS और FPS टेक्निक में हम उन्हें भी स्टडी करेंगे, उन्हें के ना सेंटीमीटर को, ग्राम को, पाउंड को, है ना। अभी हमें SI सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें लर्न करके रखना पड़ेगा। लेंथ के लिए जो है वो हम डायमेंशन यूज करते हैं L1, मास के लिए हम यूज करते हैं M1, टाइम के लिए हम यूज करते हैं T1 बोल दीजिए एक ही बात है, T बोले एक ही बात है, टेम्परेचर के लिए K1, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A1, लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला CD,
अमाउंट ऑफ सबिस्टेंस के लिए मोल लिखते हैं, लाइन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, आपको इन्हें लर्न करना ही पड़ेगा और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूं। देखिए डियर, कोई डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज मेरे सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, सबसे बेसिक क्वांटिटीज है, नौ बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पूरी फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगी सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। उसमें से दो चार पांच मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बाकी अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो वो आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी है, बट अगर अभी तक आप नहीं ले पाए होंगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट आपको उसका व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप साथ से लेकर के उसे ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप व्हाट्सएप पे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एरिया से, अगर हम वन बाय वन इन सबकी यूनिट और डायमेंशन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें भी ये लेंथ का यूज हो रहा हो उन सबके लिए डायमेंशन हमें एल वन फिक्स, एल अभी हमने पढ़ा ना बेसिक वाला चार्ट, वो आपने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वो फिक्स है। लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमें लेंथ का यूज करते हैं वो फिक्स है, उसमें फिक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। तो यूनिट की बात करूं, लेंथ का यूनिट क्या हुआ, मीटर। अब ब्रेड भी तो उसी बिरादरी का कैटेगरी का है, मीटर कितना हो गया, ब्रेड स्क्वायर, मीटर 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 लेंथ ब्रेड हाइट मीटर क्यूब। डिस्टेंस का लेंथ वाला हो गया मामला मीटर, टाइम का सेकेंड मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी और स्पीड तो सेम होता है ना, तो इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। और अपॉन में टाइम, एक बार फिर से सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। मास का यूनिट क्या हुआ, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे को आप मिला के क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते थे, क्या बोलते हैं, न्यूटन। एंगल की बात करें, आर। अब आर क्या होता है, ये जी, ये भी क्या है, सब लेंथ ही तो है, तो मीटर। रेडियस ये ऐसा बना, ये रेडियस ये एंगल होता है, ये आर्क होता है, रेडियस वो भी क्या है, लेंथ है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस हो गया। कैसा हो गया, यूनिट लेस। अब हम इनकी डायमेंशंस में बात करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, फिर उसके आपको बस प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। लेंथ के लिए एल वन, ब्रेड के लिए भी एल वन कितना हो गया, एल टू, सही बात है, एल टू हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। लेंथ के लिए L1, ब्रेड के लिए L1, ये भी L1 कितना हो गया, L3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M0, L3, T0। एक्चुअली डायमेंशन जो होता है MLT की बेसिक फॉर्म होती है ना, इसमें कभी कभी MLT की पावर चेंज होती रहती है, जैसे कि यहाँ पे माने L की पावर 2 है, T और M की नहीं है, इसका मतलब जो एरिया होता है वो मास पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही वॉल्यूम में मास पे पावर कितना है, जीरो है, और टाइम पे कितना है, जीरो, मतलब जो वॉल्यूम है वो मास पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जो होता है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, है? इस डायमेंशन से ही पता चलता है। इसका देखे, मीटर के लिए एल वन, टाइम के लिए टी वन, कितना हो गया, एल वन टी माइनस वन, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, सही है, मतलब स्पीड जो है मास पे डिपेंड नहीं करती है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम पे कैसी पावर है, नेगेटिव पावर है ना, कैसी पावर है, नेगेटिव, मतलब आपकी स्पीड जो है वो लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें बात करें पहले किसकी डायमेंशन रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की डायमेंशन कौन है, एल वन टी माइनस वन अपॉन टाइम, टाइम की डायमेंशन कौन है, टी वन, कितना हो गया, एल वन टी माइनस वन, ये वाला टी वन ऊपर आएगा तो टी माइनस टू, तो एल वन टी माइनस टू हो गया है। इसको देखें पहले कौन है, मास एम वन, और फिर कौन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ रही है, एल वन टी माइनस टू, तो ये हो गया एम एल वन टी माइनस टू, सही है। एंगल की बात करें, आर्क की क्या होती है, एल वन, रेडियस की भी क्या होती है, एल वन, तो ये कितना हो गया एम वन एल जीरो, सॉरी ये भी कैंसिल हो गया, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब आपके एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है।
इस तरीके से हमारे पास लगभग 100 फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, हम उसे आपको स्क्रीनशॉट एक सेंड करेंगे, आप उसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं और आप बकायदा नोट्स बनाना भी चालू कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, यूनिट टेक्निक्स। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके के टेक्निक्स हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो आपको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज अभी 5-7 निकालनी सिखाई थी, अगर आप नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट के साथ न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते वो आना चाहिए, उसके बिना आपको न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, दूसरी बात, यूनिट टेक्निक्स है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये भी हमें ध्यान रखना है। एमकेएस का मतलब क्या है? एम से है मीटर, के से है किलोग्राम, एस से है सेकंड। अब आप ये सोचिए, मीटर किसका हो गया? लेंथ का, किलोग्राम मास का यूनिट हो गया, और सेकंड टाइम का हो गया। तो लेंथ, मास, टाइम के यूनिट के बेसिस पे हमने यूनिट्स के लिए टेक्निक्स बना रखी है। जैसे एमकेएस हुआ, सेकंड सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये लेंथ का, मास का और टाइम का। ऐसे फुट पॉन्ड सेकंड, लेंथ यानी कि फुट, मास यानी कि पॉन्ड और टाइम यानी कि सेकंड। हमें इनके कन्वर्जेंस भी आने चाहिए। मुझे कभी एमकेएस से एफपीएस में जाना है, कभी एफपीएस से इधर आना है, तो मैं क्या करूंगा? एक मीटर में इससे इधर जाना है तो मीटर इसके रिलेशन, किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन, मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, सेकंड सेकंड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मुझे इनसे इसमें या इससे इसमें आना है तो मुझे पॉन्ड का रिलेशन पता है, 453.6 ग्राम होते हैं या 0.456 केजी होता है ना। एक फुट की अगर बात करें तो 30.48 सेंटीमीटर है या 0.3048 मीटर है। हम किलोग्राम से पॉन्ड में आना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू में डिवाइड हो जाएगी, नहीं क्या बन जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 1/0.4536 पॉन्ड। ठीक है, 1 kg ये वाला वाला डिवाइड में आ जाएगा ना इधर। ओके, ग्राम से आना चाहता हूं तो 1 gram इज इक्वल टू 1/453.6 पॉन्ड हो गया। सेंटीमीटर से इसमें आना चाहता हूं तो 1/30.48 हो गया। मीटर से इसमें आना चाहता हूं तो 1/0.3048 फुट हो गया। इस तरीके से कन्वर्जेंस भी हमें पता होने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी ही चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सीख सके। तो अभी आपके पास ये होमवर्क है कि आपको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज में 20-30 डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की प्रैक्टिस करनी है, और उसको करने के बाद फिर हमें न्यूमेरिकल सीखने को मिलेंगे। 4 तरीके की एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस डायमेंशन वाले टॉपिक पे। और जब आप वो चारों टॉपिक सीख लेते हैं तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का जो डायमेंशन वाला पार्ट है जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं डायमेंशन से रिलेटेड, वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।